थीम पैडल फॉर डेमोक्रेसी के तहत सोलन में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया गया। चंबा जिला के सलूनी में पुलिस ने एक नशा तस्कर को चरस की खेप के साथ पकड़ा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ऊना विधानसभा के मलाहत में लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर ने चुनाव प्रचार किया। जिला मंडी के धर्मपुर विधानसभा के संधोल में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल सिंह रायजादा ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने नाहन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नाहन के चंबा ग्राउंड मैदान में काफी चहल पहल दिखी। अनुराग ठाकुर ने ऊना में तूफानी प्रचार किया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव के तहत हुए पहले 6 चरणों में देश की जनता ने दिल खोलकर नरेंद्र मोदी का साथ दिया है। नाहन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वह 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पता लगाया कि 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं और वह 30 लाख नौकरी कांग्रेस देगी। पहाड़ों पर ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे हैं, इससे नदी नालों का जलस्तर उम्मीद से अधिक हो गया है। ऐसे में जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन भी लक्ष्य से अधिक हो रहा है। देश की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना 1500 मेगावाट की नाथपा झाकड़ी से वर्तमान में हर रोज 1650 मेगावाट बिजली तैयार हो रही है। 2 दिन की बारिश का असर बेअसर हुआ। चिलचिलाती धूप से राहत नहीं मिल रही है, वहीं गर्मी से राहत पाने के लिए धर्मशाला पहुंच रहे हैं। चंबा में मतदाता जागरूकता को लेकर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने प्रतिभागी सम्मानित किए। सिरमौर में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जिला निर्वाचन विभाग के पास 105 शिकायतें दर्ज। कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के हलफनामे पर भाजपा ने उठाया सवाल, कहा कि विधायक बनने के बाद आय में इजाफा हुआ है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज हिमाचल प्रदेश के नाहन में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी समेत बिजनेसमैन अडानी और अंबानी पर भी जुबानी हमला बोला। सरकाघाट के बल्दवाड़ा में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना मुंबई जाकर अपना काम संभाले, यहां की जिम्मेदारियां वे खुद संभाल लेंगे। हिमाचल प्रदेश में जंगलों में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कल जंगलों में 69 जगहों पर आग लगी है, जिनमें 609 हेक्टेयर भूमि पर जंगल राख हुआ। इस साल फायर सीजन में अब तक वन विभाग ने जंगलों में आग की लगने के कुल 877 मामले दर्ज किए हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली रमा ने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। 37 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट फतह करने का रिकॉर्ड बनाने वाली वह हिमाचल की पहली महिला बनी है। रमा ने महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया है। मंडी जिले के मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए उपायुक्त एवं मंडी संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगन के निर्देशानुसार तैयार किया गया एक गीत, हमने अपने मन में यही ठाना है, हम सबको तो वोट देने जाना है, लॉन्चिंग के बाद चंद घंटों में ही बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा है। चंबा विधानसभा क्षेत्र भटियात के तहत आते समोट में बस स्टैंड नहीं होने से वाहन मुख्य सड़क पर ही पार्क किए जा रहे हैं। इससे सड़क पर आए दिन तो जाम लगता ही है, राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, बसें भी 10 से 15 मिनट ही रुकती हैं। ऐसे में कई बार यात्रियों के पहुंचने से पहले ही बसें रूट पर निकल जाती हैं। राहुल गांधी ने शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के लिए नाहन में उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने जिला ऊना में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा के लिए भी मतदान करने की अपील की। हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोग का मतदान प्रतिशतता बढ़ाने का प्रयास जारी है। प्रदेश के 10 जिलों में जागरूकता साइकिल रैली शुरू की गई है। राजधानी शिमला के जाखू में बाबा बालकनाथ का 52वां वार्षिकोत्सव और भंडारे का आयोजन किया। इस दौरान श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें। लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रवि ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिले में कोई विकास कार्य नहीं किया। भीषण गर्मी के प्रकोप से जिला सिरमौर में 25 से 50 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई, पानी के लिए मचा हाहाकार। जिला किन्नौर के किन्नौर चांसू गांव में घायल अवस्था में मिला एक दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध, स्थानीय लोगों ने गिद्ध का उपचार कर बचाई उसकी जान। भरमौर में जयराम ठाकुर ने एक जनसभा को संबोधित करते समय कांग्रेस पार्टी पर जुबानी हमला बोला। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने कुल्लू में पदयात्रा कर जनता से वोट मांगे। इस मौके पर उन्होंने चुनावी नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित किया। जिला सोलन में साधुपुल स्थित रामलोक मंदिर में विजय यज्ञ किया जा रहा है। इस विजय यज्ञ की पूर्ण आहुति 3 जून को सुबह 10 बजे होगी। 40 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के बावजूद भी कुटलहर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में शामिल पार्टियों के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। जिला ऊना में राहुल गांधी की रैली के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पार्टी पर जमकर निशाना साधा। हिमोत्कर्ष परिषद ऊना द्वारा अमोदनी फ्री राशन वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में राष्ट्रीय संत बाबा बालजी महाराज भी शामिल हुए। पाइए अपने बच्चों के लिए कम फीस में ज्यादा सुविधाएं, पैराडाइज पब्लिक स्कूल गुटकर मंडी हिमाचल प्रदेश।